Good morning, dear students. Dear, we have already completed our chapter number 1 and 10 also, explanation 10 also completed, right? Today we will discuss our chapter number 10, future trends, answers. What discuss? Answer discussion session. This is for answer discussion, okay? Let's start. The first one, listen to me. You have to do work, book work in your book only, and the copy work, that is question answer, you have to do in your copy. Clear? Let's start. This is your book exercise. First one is question number 1. Light peak is introduced by. Beta, light peak kisne introduce ki thi? This is introduced by Intel. So answer will be B. Clear? Answer will be B. Next is John McCarthy introduced what? That is artificial intelligence. Unhone kisko introduce kiya tha? Artificial intelligence ko. So answer will be first. Third is electro vibration was discovered in 1954. That is answer will be B. And fourth one is light peak uses optical cables. So answer will be B again. Last one question is voice synthesis uses, this is TTF. Answer will be C. Clear? So the tick mark is completed here. B, A, B, B and C. Now start the fill-ups. What is first one? Dash printing can print objects larger than the printer. किसी भी प्रिंटिंग का कैसे ऑब्जेक्ट, किसी बड़े ऑब्जेक्ट को कैसे प्रिंट करा सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ 4D प्रिंटर. क्लियर? 4D प्रिंटर. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो वाइब्रेशन इज बेस्ड ऑन रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर्स पर बेस करता है कि आपकी उसकी किस तरह की रिसेप्टर, मीन्स कैसे आप वाइब्रेशन को यूज करते हो. AR डैश इज dash work in real time environment instead of artificial intelligence. Real time environment mein kaun work karta hai? This is augmented reality. Augmented reality kaun kisko use karta hai? Like in a real time environment. So answer will be AR. Fourth one is dash provide speed up 10 gigabytes per second, that is light peak technology. So answer will be light peak. A branch of computer science called AI pursues क्रिएटिंग इंटेलिजेंट मशीन. जो किसका पर्पस क्या होता है? एक क्रिएटिंग इंटेलिजेंट मशीन. सो आंसर विल बी AI. फिलप्स इज ऑल्सो कम्प्लीटेड ओवर हियर. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. बेटा फर्स्ट वन इज हियर मल्टी टच टेक्नोलॉजी ऑफर स्वाइप एंड टैप फंक्शनैलिटी. दिस इज ट्रू. आपकी मल्टी टच में होता क्या है भाई? स्वाइप करना उसको या फिर उसको टैप करना. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज लाइट पिक टेक्नोलॉजी यूजेस स्मॉल कनेक्टर्स एंड थिन लॉन्ग केबल्स. इट इज ऑल्सो ट्रू. आपका यही चीज यूज होती है लाइट पीक टेक्नोलॉजी में. नेक्स्ट इज 4D प्रिंटिंग यूजेस हीट टेम्परेचर लाइट फॉर प्रिंटिंग. यस इट इज ऑल्सो ट्रू. मीन्स एक्स्ट्रा मटेरियल जो यूज होता है उसमें किस में यूज होता है? 4D प्रिंटिंग में. सो आंसर विल बी ट्रू. माई मिस्टेक इज रिटन फॉल्स. ओके फोर्थ वन इज हियर मशीन इंटेलिजेंस यूजेस सॉफ्ट कंप्यूटिंग. इट इज ऑल्सो ट्रू. मशीन इंटेलिजेंस ही यूज करता है सॉफ्ट कंप्यूटिंग में. आपने देखा हुआ है एप्लीकेशन से भी ऑप्शन दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर मशीन इंटेलिजेंस. राइट. नेक्स्ट इज ऑटोमेशन यूजेस ह्यूमन इंटेलिजेंस. राइट. इट इज फॉल्स. ऑटोमेशन नहीं यूज करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस में. ऑटोमेशन में तो वो ऑटोमेटिकली आपका वर्क करता है, उसमें कोई ह्यूमन की इंटेलिजेंस नहीं चलता है. क्लियर. नेक्स्ट इज मैचिंग. मैच द फॉलोइंग में आपका फर्स्ट वन है इंटेलिजेंट रोबोट्स. व्हाट इज द इंटेलिजेंट रोबोट बच्चे? इंटेलिजेंट रोबोट्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आंसर विल बी सी. सेकेंड इज कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट. कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट होता है क्या? आपका स्ट्रक्चर सेट ऑफ एटलीस्ट ग्रुप ऑफ अ टेक्स्ट आप बोल सकते हो. क्लियर. जो आप एक साथ उसका कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट करते हो और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज मैचिंग ट्रांसलेशन इज यूज is a stands for empty. So answer will be last one, which is E. Computational intelligence, that is soft computing. This is answer will be B. Fifth one is voice synthesis. This is TTS. So answer will be A.
ओके हियर्स योर बुक वर्क इज कम्प्लीटेड यू हैव टू कम्प्लीट योर बुक वर्क इन योर बुक ओनली ओके लेट्स स्टार्ट योर शॉर्ट आंसर्स शॉर्ट आंसर्स फर्स्ट वन इज व्हाट इज द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटा क्या गोल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम एंड टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन ह्यूमन आपके क्रिएट करने एक एक्सपर्ट सिस्टम को क्रिएट करना द सिस्टम विच एग्जिबिट द इंटेलिजेंट बिहेवियर लर्न डिमॉन्स्ट्रेट एक्सप्लेन एंड एडवाइस इट्स यूजर जो एडवाइस कर सके यूजर को जो एक्सीलेंट इंटेलिजेंट हो लाइक बिहेवियर में और लर्न कर सके डिमॉन्स्ट्रेट कर सके एक्सप्लेनेशन को डिमॉन्स्ट्रेट कर सके राइट एंड टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन ह्यूमन की तरह मशीन भी इंटेलिजेंट हो सके क्रिएटिंग अ सिस्टम दैट अंडरस्टैंड थिंक लर्न एंड बिहेव लाइक ह्यूमन राइट दिस इज द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट इज define the automation automation is a technology by which a process or procedures performed without human assistance means humans ki isme koi bhi assistance ki need nahi hoti hai this called automation right next question is write down the benefits of augmented reality kya kya benefits hote hain increase sales ye aapke sales ko increase karta hai products can be visualized in true form before actually making a purchase jaise aapko मीन्स इसमें क्या होता है आपकी ऐसी इमेज लगी हुई होती है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आप उसमें भीड़ नहीं होती है कि आपको उसे कैसे कैसा अंदर से वो खुलने के बाद लगेगा राइट तो आप उसको देखने के बाद विदाउट ओपनिंग द प्रोडक्ट यू कैन सी हाउ इट विल बी लुक लाइक ओके सो इंक्रीज द सेल अनरिच्ड कंटेंट AI is a data editing system that offers cultural security and time saving benefits by providing real time information मीन्स ऐसा एडिंग सिस्टम है डेटा एडिंग सिस्टम है जो ऑफर करता है कल्चरल के लिए सिक्योरिटी के लिए एंड ऑब्वियसली टाइम सेविंग बेनिफिट्स विच इज प्रोवाइडिंग बाय रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन नेक्स्ट इज इम्प्रूव नोटोरिटी मीन्स AI हेल्प्स अ ब्रांड और कंपनी टू अट्रैक्ट न्यू ऑडियंस एज वेल एज रिटेन इट्स एग्जिस्टिंग कस्टमर्स मीन्स आपकी जो ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खराब हो जाती हैं प्रोडक्ट के साथ में तो उसको भी ये इम्प्रूव करता है क्योंकि ये नए कस्टमर को जोड़ने के साथ साथ उनको अट्रैक्ट करने के साथ साथ ये जो पुराने कस्टमर्स होते हैं उनको भी रिटेन करते हैं राइट सो द फोर्थ आंसर इज व्हाट डिफाइन द इंटेलिजेंट एप्स हमें इंटेलिजेंट ऐप को यहाँ पर डिफाइन करना है दिस ऐप प्रोसेस दैट यूजेस मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी क्या यूज करते हैं मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को फॉर डेवलपिंग दीज ऐप्स यूजिंग हिस्टोरिकल real time data for making prediction and decision in order to offer rich interactive and personalized experience to the users matlab iske andar kya hota hai beta basically ye decisions jo lete hain wo historical ya phir kisi real time ke base pe lete hain kisi experience ke base pe lete hain aisa nahi hai ki ye unhone machine banayi aur isko app ko launch kar diya but ye uske sath mein experience ko bhi match karte hain right इलेक्ट्रो वाइब्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफाइंड इलेक्ट्रो वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रो वाइब्रेशन इन आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन एन इफेक्ट ऑफ टच रिसेप्टर जो आपकी किस पे टच इफेक्ट करती है किस पे बेस है टच रिसेप्टर्स पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर देयर विच कैन ईजिली क्रिएट द फीलिंग ऑफ लोकलाइज वाइब्रेशन एंड फ्रिक्शन जो लोकलाइज करता है किसी फीलिंग को मतलब जहाँ हमने टच किया उसकी पर्टिकुलर उस जगह का वैल्यू को लेकर उसके ऊपर बेस किसी चीज़ को चार्ज करना इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर देयर टू इजीली क्रिएट द फीलिंग्स ऑफ लोकलाइज मीन्स किस पर्टिकुलर आपने प्लेस पर टच किया उसके बेस पे किसी डेटा को हैंडल करना गॉट इट सो दीज आर ऑल द शॉर्ट आंसर्स नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मल्टी टच टेक्नोलॉजी फर्स्ट इज व्हाट इज एक्सप्लेन मल्टी टच टेक्नोलॉजी एंड इट्स एडवांटेजेस बेटा फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स अ सरफेस टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन और टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट विद द सरफेस मीन्स एक साथ आप कितने भी टच अपने फ़ोन पर जब करते हो तो उसकी क्या वैल्यू क्या उसके अकॉर्डिंग क्या वर्क परफॉर्म होने वाला इट इज डिपेंड ऑन मल्टी टच टेक्नोलॉजी मल्टी टच टेक्नोलॉजी वर्क विद ट्रैक पैड्स एज वी डिस्कस इन एक्सप्लेनेशन टाइम ट्रैक पैड्स एंड टच स्क्रीन इंटरफेसिस बट इसमें क्या होता है बहुत सारी स्पेसेस ऐसे होते हैं कि आपको ये नहीं शो रहा होता है कि यहाँ पे टच करने से कुछ वैल्यू परफॉर्म होगी या कुछ वर्क परफॉर्म होगा बट एक्चुअल में वहाँ पे टच करने से आपको परफॉर्म होता है ऐसी डिवाइसेस होती हैं जैसे लाइक ब्लूटूथ आपका होता है ब्लूटूथ हो या फिर आपका ऑन ऑफ का सिस्टम हो सिर्फ सिंपली वहाँ पे प्लस और माइनस का निशान बना होता है बट स्क्रीन नहीं होती है
अगर आप वहाँ पे हल्का सा टच करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है एंड उसके अकॉर्डिंग वहाँ वर्क परफॉर्म होता है. सो इट इज़ कॉल्ड मल्टी टच टेक्नोलॉजी. इट अलाउज अ यूजर टू इंटरैक्ट विद देयर डिवाइसेस इन अ मल्टीट्यूड वेज एंड बाय एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ इंटरफेस ऑप्शन. ओके, सो सम एडवांटेजेस आर स्पीड, इजी टू यूज, डिवाइस साइज, एक्सेसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड इजी टू क्लीन, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीच ट्रांसलेशन. Explain the speech translation process. What is speech translation? Is a process by which conversational spoken phrases are instantly translated and spoken aloud in a second language. It is of tremendous value for humankind in terms of science, cross-cultural exchange and global business. A speech translation system is indicative following. बट इसमें क्या होता है, हमारी कोई वॉइस है, अगर हम किसी भी चीज़ को अगर बोल के बता रहे हैं उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर क्या कर रहा है, वो टाइप करके हमें दे रहा है. इट इज़ कॉल्ड स्पीच ट्रांसलेशन. मीन्स हमारी स्पीच को ट्रांसलेट करके वो एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, जिसके बिहाव पे कुछ टेक्स्ट शो हो रहा है. फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन. दिस इज कॉल्ड ASR. इट इज़ अ इंटर डिसिप्लिन फील्ड ऑफ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक साइंटिफिक सिस्टम. It develops a methodology and technology that enables the recognition and translation of a spoken language into the text by computer. As I discussed, कि आपके spoken language को किसी text में convert करना, it is depend on ASR, automatic speech recognize. वो आपकी speech को recognize कर रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो. आपने देखा होगा कि Google Chrome पे आपको कुछ search करना होता है तो आप उसमें voice translation का भी work कर सकते हो. आप उसमें बोलोगे वो as it is वो चीज़ के बारे में आपको सर्च करके शो कर देता है. क्लियर. मशीन ट्रांसलेशन इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स दैट इन्वेस्टिगेट्स द यूजेस ऑफ सॉफ्टवेयर टू ट्रांसलेट टेक्स्ट टू स्पीच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. मींस आपकी किसी लैंग्वेज में आपने कुछ स्पीच बोली, उसके अकॉर्डिंग वो उसको ट्रांसलेट कर सकता है आपकी उसी लैंग्वेज में जिसमें आप चाहते हो. जैसे मैंने आपको एक आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके बिहाफ पे आप मशीन ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल देख सकते हो कि उसके अंदर क्या है. एक पर्सन है जो कैमरा लेके आपके सामने खड़े हुए हैं, कैमरा लेके खड़े हुए हैं मल्टी टच में, बट उसमें वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस जो लैंग्वेज में लिखी है वो उनको समझ नहीं आ रही है, उसको वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसमें वो चाहता है. तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एम्प्टी. वॉइस सिंथेसिस इट इज आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन स्पीच. अ कंप्यूटर सिस्टम यूज फॉर पर्पज कॉल्ड स्पीच सिंथेसिस मीन्स TTS. ओके, कन्वर्ट्स अ नॉर्मल लैंग्वेज टेक्स्ट टू स्पीच. कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एज अ बोल के आपको शो करना है, इसको TTS. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एक्सप्लेन लाइट पीक टेक्नोलॉजी एंड इट्स बेनिफिट. बेटा इसमें क्या होता है, आपको पता है ये आपकी स्पीड को हाई करने के लिए यूज करते हैं. इंटेल प्रोप्राइटरी ऑप्टिकल केबल इंटरफेस टू कनेक्ट पेरिफेरल बस अप टू 10 GB पर सेकेंड. ओके, एट दिस स्पीड यू कैन डाउनलोड अ मूवी इन लेस देन 30 सेकेंड. इसकी सिर्फ ये क्या काम करता है, ये आपकी स्पीड को इंक्रीज करने का वर्क करता है. टेक्नोलॉजी अलाउज फॉर स्मॉलर कनेक्टर्स एंड लॉन्गर थिनर मोर फ्लेक्सीबल केबल्स करंटली पॉसिबल. लाइट पीक ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू रन मल्टीपल प्रोटोकॉल साइमल्टेनियसली. मतलब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को एक साथ ही वर्क करने के लिए वर्क कैपेबल है, एबिलिटी रखता है. सिंगल केबल इनेबलिंग द टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट डिवाइसेज सच एज पेरिफेरल्स डिस्प्ले ड्राइव्स क्लॉक डॉकिंग स्टेशन एंड मोर. मतलब ये सारे आप ही क्या है, स्क्रीन्स के नेम है. ये एडवांटेजेस क्या हो गई आपकी, हाई स्पीड एज फास्ट USB, एज मच पोटेंशियल एंड यूनिवर्सल, लॉन्गर डिस्टेंस डेटा ट्रांसफर, बेटर डेटा इंटीग्रिटी एंड मोर सिक्योरिटी. दीज ऑल आर द लाइट पीक एडवांटेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज वट इज 4D प्रिंटिंग. बेटा 4D प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर प्रिंटेड जस्ट लाइक any 3D printed shape. The difference is that 4D printing technology uses programmable and advanced material which perform a different functionality by adding hot water. सिर्फ इसमें क्या होता है बेटा, 3D printing के लिए वर्क करता है, बट इसमें आपका कुछ material यूज होता है जो आपका उस function को perform करता है, like hot water, light और heat. Okay? One potential application of 4D printing in real world would be pipes of plumbing system. जैसा कि आपको मैंने बताया था 4D printing में क्या होता है बेटा, कि हमने जो चीज़ जिस ऑब्जेक्ट हमने कोई एक मॉडल लेकर के कोई ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया, बट उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है, बेसिकली जो मटेरियल यूज़ हो रहा है 4D के लिए, वो इस तरह का मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो एक स्पेशल टाइप मटेरियल होता है जो आपके अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने
प्रेजेंस को, अपनी प्रेजेंस को चेंज कर लेता है. ओके, अपनी प्रेजेंस को चेंज कर लेता है. मीन्स एज लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल इज शूज. आपका एक शूज के लिए आपने एक मटेरियल, एक मॉडल बनाया और उसके बिहाफ पे आपने एक मॉडल रेडी करा. आपने उसके अंदर मटेरियल डाला और मॉडल, आपका मॉडल के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट बन के आ गया. बट जो आपने उसके अंदर मटेरियल डाला है, बेसिकली जो मटेरियल डाला है, वो जो बन के निकलेगा वो हर एक टाइम पर अलग अलग वर्क करेगा. मीन्स एक शूज जब एक किसी ने पहना हुआ नहीं है तो वो रखा हुआ है, उसकी शेप अलग होगी. बट जब कोई पहनने के लिए ट्राई कर रहा होगा तो उसकी शेप डिफरेंट हो जाएगी. मीन्स दे कैन, यू कैन से द डायनेमिकली चेंज, राइट. एंड जब उसे कोई पहन के चलेगा तो उसकी शेप फिर चेंज होगी. अगर कोई बारिश में होगा तो अकॉर्डिंग टू द, यू कैन से अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इजिली कैन चेंज द प्रेजेंस. मीन्स उसके अंदर वाटर प्रूफ हो जाएगा, उसके अंदर पानी अंदर नहीं जाएगा. सो दीज ऑल आर द 4D प्रिंटिंग. दीज आर एडवांटेजेस आर 4D प्रिंटिंग कैन प्रिंट ऑब्जेक्ट्स लार्जर देन द प्रिंटर एज वेल ओनली द वन पार्ट यूजिंग कंप्यूटेशनल फोल्डिंग टेक्निक्स. ओके, एज अ वास्ट पोटेंशियल रिवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड ऑफ मटीरियल्स दैट टुडे वी कैन नॉट इवन इमेजिन, सच एज अ टेम्परेचर, हीट एंड लाइट. सो दीज ऑल आर द लॉन्ग आंसर्स. नेक्स्ट इज ब्रेन टीजर्स. फर्स्ट इज हेयर बेटा, वी आर वट यू हैव टू डू सम मिस्टेक्स इन योर बुक. ए ऑप्शन इज यू हैव, ए क्वेश्चन इज यू हैव टू कट फ्रॉम हेयर ओनली द रिटन वर्ड्स. सॉल्व द क्रॉस वर्ड विद द हेल्प ऑफ यूज बिकॉज दीज बोथ आर नॉट मैच्ड हेयर. हेयर यू हैव टू रिटन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फंक्शन एंड कट डाउन द होल क्लूज, सॉरी ब्लॉक्स. वट यू हैव टू डू नाउ, ऑटोमेशन इज अ टेक्नोलॉजी बाय विच प्रोसेसेस आर परफॉर्म विदाउट एनी ह्यूमन असिस्टेंस. आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, असिस्टेंस. इंटेलिजेंट एप्स आर ड्रिवन बाय डेटा. ओके, सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस. यू हैव टू राइट हियर इंटेलिजेंस वर्ड. नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज AI इज वेरी पॉपुलर इन गेमिंग. गेमिंग के लिए आपका AI बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. सो दीज आर ऑल रिटन इन योर बुक ओनली. ओके, सो दिस इज फ्रॉम माई साइड. एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो लेफ्ट. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट बेटा. यू हैव टू राइट इन योर बुक ओनली इन फ्रंट ऑफ अटरेंस. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, अ कंटिन्यूस पीस ऑफ स्पीच बिगनिंग एंड एंडिंग विद अ क्लियर पॉज. ओके, नेक्स्ट इज ऑग्यूमेंटेड रियलिटी. यू हैव टू राइट इन फ्रंट ऑफ ऑग्यूमेंटेड रियलिटी. ऑग्यूमेंटेड रियलिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन विद द यूजर्स एनवायरमेंट इन रियल टाइम. यू हैव टू रिटन ओवर देयर. यही होता है आपका, रियल टाइम के अकॉर्डिंग वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को यूज करता है, इंटीग्रेट करता है. इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, इट यूजेस एक्जिस्टेंस एनवायरमेंट एंड ओवरलेज न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन टॉप ऑफ इट. ओके, उसको ओवरले करता है. सो दीज ऑल आर द योर ब्रेन टीजर्स. नाउ ब्रेन टीजर्स एंड एक्स्ट्रा बुक एक्सरसाइज जो इन योर बुक, क्वेश्चन आंसर यू हैव टू डू इन योर कॉपी. थैंक यू.